हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल IITN एकेडमी। और आज हम डिस्कस करते हैं एक सीओवी 93 नंबर प्रॉब्लम जून 2018। द एक्सट्रीमल फॉर द फंक्शन जे ऑफ वाई इक्वल टू लाइक दिस फंक्शन एंड वेयर वाई लॉग 3 इक्वल टू 1 एंड वाई 0 इज फ्री। और इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। जो कंसेप्ट है वो क्या है, वेरिएशनल प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो हमें हमारे पास तीन जो है फॉर्मूलाज हैं। अगर हम सपोज एक्स नॉट वाई नॉट इज फिक्स एंड अदर पॉइंट एक्स वन वाई वन इज मूविंग। जो एक्स नॉट वाई नॉट है वो तो फ्री है, फिक्स है, एंड अदर पॉइंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऑन वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू एक्स वन। देन एक्सट्रीमल क्या होगा, ऑयलर इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डेज इक्वल टू जीरो। एंड जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डेज एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अगर हमारे पास सेकेंड कंडीशन जो है, वेन बोथ एक्स नॉट एंड वाई नॉट एंड एक्स वन एंड वाई वन मूव अलोंग वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट एंड एक्स इक्वल टू एक्स वन, देन तो अगर दोनों ही मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, जो हमारी ऑयलर इक्वेशन है उसके साथ सेटिस्फाई करेगा कंडीशन डेल एफ अपॉन डेल वाई डेज एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डेज एक्स इक्वल टू एक्स वन पे क्या होगा, यहाँ जीरो है, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या है, सपोज एक्स वन वाई नॉट इज फिक्स एंड अदर इज मूविंग, एक्स वन वाई वन इज मूविंग अलोंग ए कर्व वाई इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। तो हमें अभी क्या बता दिया, एक कर्व बता दिया अलोंग ए कर्व। देन क्या होगा, देन एक्सट्रीमल सेटिस्फाई। एक्सट्रीमल के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होगी, एफ प्लस फाई डेस माइनस वाई डेस डेल एफ अपॉन डेल वाई डेस एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसवर्टिसिटी कंडीशन। तो स्टूडेंट अब हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमारे पास जो ये हैं वो क्या होता है, फंक्शन। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है और हमारे पास जो ऑयलर जो इक्वेशन है वो क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डेज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है उसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, हमने किया तो टू ई की पावर एक्स माइनस डी वाई डी एक्स एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई डेज टू ई की पावर माइनस एक्स वाई डेज प्लस टू ई की पावर एक्स इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया, टू ई की पावर एक्स सेम एंड इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू ई की पावर एक्स का किया तो यहाँ माइनस चिन्ह है तो ये बाहर आके माइनस टू ई की पावर एक्स, ये इससे कैंसिल आउट एंड माइनस डी वाई डी एक्स टू ई की पावर माइनस एक्स वाई डेज इक्वल टू जीरो, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। और ये क्या बचेगा, टू ई की पावर एक्स माइनस वाई डेज, इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू डी वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो देखा है हमें, तो क्या होगा, टू ई की पावर एक्स टू ई की पावर माइनस एक्स वाई डेज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी और कॉन्स्टेंट वैल्यू को ले लिया सी वन एंड टू इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स वाई डेज इक्वल टू सी, ठीक है, वाई डेज इक्वल टू सी उसके बारे में एंड वाई डेज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स, वाई डेज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स एंड इसको करेंगे सोल्व, वाई इक्वल टू सी ई की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो सी ई की पावर एक्स प्लस डी। एंड हमें कंडीशन क्या दे रखी थी कि y log 3 इक्वल टू 1, तो x की जगह क्या रखेंगे, log 3 एंड y की जगह 1, तो y इक्वल टू c e की पावर x की जगह log 3 प्लस d एंड यह हो गया जो e, तो 3 c प्लस d इक्वल टू 1। हमारे पास जो c की और हमें c और d की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, और वो c और d की वैल्यू y के अंदर रखनी है जो हमारा सोल्यूशन होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी, वाई जीरो इक्वल टू फ्री, और मैंने आपको बताया था कि वाई जीरो इक्वल टू फ्री होगा, अगर हमारे पास वाई जीरो इक्वल टू फ्री होगा तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट क्या होगा अपने पास, मूव कर रहा है या फ्री है तो मूविंग करेगा वो, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डेज इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो सेटिस्फाई करेगा ये कंडीशन। तो अब हमें क्या करते हैं, यहाँ डेल एफ अपॉन डेल वाई डेज एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने डेल एफ अपॉन डेल वाई डेस अभी निकाला था, ये रहा डेल एफ अपॉन डेल वाई टू ई की पावर माइनस एक्स वाई डेस प्लस टू ई की पावर एक्स,
तो ये टू ई की पावर माइनस एक्स वाई डैश प्लस टू ई की पावर एक्स इक्वल टू क्या रखना था, जीरो। यहाँ से क्या होगा, एंड एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये वन हो गया, ये वन हो गया, तो टू वाई डैश प्लस टू इक्वल टू जीरो। और वाई डैश की जो वैल्यू थी वो क्या है, वाई डैश इक्वल टू सी ई की पावर एक्स, तो हमने यहाँ रखा वाई डैश इक्वल टू सी ई की पावर एक्स, देन टू से टू कॉमन लिया तो जीरो, एंड सी ई की पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या होगा, देन एक्स इक्वल टू जीरो पे देखना है, तो ई की पावर जीरो वन, तो सी प्लस वन इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू माइनस वन, एंड सी इक्वल टू माइनस वन आ गया, तो अपने पास जो कंडीशन थी सी इक्वल टू माइनस वन यहाँ रखेंगे, और रखने के बाद डी की वैल्यू निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या हुआ फोर, एंड सी और डी की जो वैल्यू है वो रखेंगे, वाई इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है माइनस वन, तो माइनस ई की पावर एक्स प्लस डी की वैल्यू फोर, तो क्या हो जाएगा फोर ई की पावर माइनस एक्स। तो स्टूडेंट फोर ई की पावर माइनस एक्स। थैंक यू गाइज, बाय बाय।